जोजो किड्स। जादुई बैल। गांव के पास एक बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगा था। गांव के सभी लोग अपने लिए पशु खरीदने जा रहे थे। बद्री की माँ ने बद्री को कुछ पैसे दिए और कहा, जा बेटा मेले से एक बैल ले आ। हमारे पास केवल एक ही बैल है, दो हो जाएंगे तो खेती में आसानी होगी। पर माँ ये तो बहुत कम पैसे हैं, इतने में बैल लाना मुश्किल है, आजकल बहुत महंगाई है। कोई बात नहीं बेटा, जा शायद कोई सस्ता बैल मिल जाए। बद्री ने मेले में सस्ता बैल ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कहीं भी उसे सस्ता बैल नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर एक लंगड़े बैल पर गई, जिसे कोई भी खरीद नहीं रहा था। अरे भाई ये बैल मुझे दे दो। अरे यह तो लंगड़ा है, तुम्हारे किस काम का। कोई बात नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं इसे ले लूंगा। बद्री लंगड़ा बैल लेकर घर वापस आता है। रास्ते में देखता है कि बैल के शरीर पर बहुत से घाव थे। बद्री ने बैल की खूब सेवा की और उसके घाव ठीक कर दिए। कुछ दिनों के बाद बद्री अपने दूसरे बैल के साथ खेतों पर गया और काम करना शुरू कर दिया। एक दिन बद्री ने लंगड़े बैल के द्वारा खोदी जमीन के नीचे सोना देखा। वह बहुत हैरान हुआ। अरे इतना सारा सोना, मेरा बैल जहाँ भी खोदता है सोना निकल आता है। ये जमीन मैंने पहले भी कई बार खोदी है, मगर इस तरह सोना तो कभी नहीं निकला। अब हर रोज लंगड़ा बैल जहाँ भी खोदता वहाँ से सोना निकल आता। बद्री उस सोने को बाजार में बेचता और अच्छे पैसे लाता। वह अपने पशुओं की बहुत अच्छी देखभाल करता, अपनी माँ को लाकर सारे पैसे देता और धीरे धीरे बद्री के दिन बदलने लगे। अब उसके खेत पहले से भी ज्यादा हरे भरे थे। गांव में सभी उसके खेतों की बहुत तारीफ करते थे। ये लंगड़ा बैल नहीं, ये तो मेरे लिए जादुई बैल है, इसने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। ये कोई आम बैल बिल्कुल नहीं हो सकता, ये खास भगवान ने मेरे लिए बनाया है। अब बद्री अपनी माँ, अपने पुराने बैल और लंगड़े बैल के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आओ पेड़ लगाएं। एक दिन राजा शेर बहुत परेशान था। उन्हें जंगल में कट रहे पेड़ों से बहुत चिंता होने लगी थी। शेर ने एक सभा का ऐलान किया। सभी जानवर सभा में आए और राजा शेर ने उन सभी से कहा, मुझे जंगल में लगातार कट रहे पेड़ों से बहुत दुख पहुंचा है। ये पेड़ ही तो हमारे जीने का सहारा है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारे जंगल और हम नहीं होंगे। आप सब भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। राजा जी की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं भी राजा जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन अब हमें क्या करना होगा राजा जी, पेड़ तो लगातार कट रहे हैं। मेरे पास एक उपाय है, हम सबको मिलकर एक अभियान शुरू करना होगा। अभियान? हाँ हम सबको बरसात से पहले पूरे जंगल में हर जगह पेड़ लगाने होंगे। सभी जानवर शेर की बात का आदर करते हैं और बरसातों से पहले जंगल में हर तरफ पेड़ लगाते हैं। धीरे धीरे हर तरफ हरियाली बढ़ती जाती है और सभी जानवर मिलकर शेर को आकर धन्यवाद करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, हमारे राजा कितने महान हैं, कितनी अच्छी अभियान की शुरुआत उन्होंने की और आज सभी पेड़ों के साथ हम कितने खुश हैं। हाँ हर तरफ हरियाली है, ये पेड़ लगाना हम कभी बंद नहीं करेंगे। हाँ हाँ ये अभियान कभी बंद नहीं होना चाहिए। चलो हम सबको चलकर राजा जी का धन्यवाद करना चाहिए। सभी जानवर मिलकर राजा शेर के पास पहुँचते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। राजा जी ये सब आपकी सूझबूझ के कारण हुआ है, हम सब आपका धन्यवाद देने आए हैं। मैं अकेला भला क्या करता अगर आप सब न होते, यह सब आप सबकी मदद के बिना तो असंभव था। यह हरा भरा जंगल यही हमारी पहचान है, हम पक्षी पशु इन्हीं के सहारे जिंदा हैं। राजा जी हम इस अभियान को कभी बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही चाहता हूँ
कि यह अभियान कभी बंद ना हो। आओ पेड़ लगाएं। रघु नाम का एक लड़का बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर नदी के किनारे बांसुरी बजाता। रघु बहुत गरीब था। वह गांव जाकर लकड़ी की बनी हुई बांसुरियां बेचकर अपना गुजारा किया करता। माँ, ये लो कुछ पैसे, आज बस इतनी ही कमाई हुई है, मैं कल और कोशिश करूंगा, रघु की माँ ने कहा। बेटा, इतने कम पैसों में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाती हूँ। बेटा रघु, ये बांसुरी बजाना छोड़कर कोई अच्छा काम ढूंढो, इतने कम पैसों में घर चलाना अब बहुत ही मुश्किल है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। रघु को बहुत चिंता होने लगी। वह बांसुरी बजाने के अलावा कोई और काम जानता भी तो नहीं था। एक दिन अचानक जब रघु नदी किनारे बांसुरी बजा रहा था, तब उसकी नजर एक मछुआरे पर गई, जिसने एक बड़ी विशाल मछली को ने जाल में फंसा रखा था। अरे वाह, आज तो इतनी बड़ी मछली हाथ लगी है, बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे इसे बेचने पर, रघु ने मछुआरे से कहा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं, इस नदी का पानी बहुत जहरीला है, यहाँ की मछलियाँ खाकर लोग मर जाते हैं, और कहीं तुमने इसे छू लिया तो तुम्हारा पूरा शरीर काला भी पड़ सकता है। मछुआरा डर गया और रघु के झूठ को सच समझकर मछलियों को वहीं छोड़ भाग गया। रघु ने मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली ने रघु से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो, ये जादुई बांसुरी है, इस बांसुरी को बजाते ही तुम्हारी सारी बांसुरियां तुरंत ही बिक जाया करेंगी, लोग तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुने बिना नहीं रह पाएंगे। रघु ने मछली का धन्यवाद किया और उस जादुई बांसुरी को लेकर गांव-गांव में घूमने लगा। उस दिन से रघु की सारी बांसुरियां बिकने लगी। अब अक्सर यही होने लगा और धीरे धीरे रघु की सारी गरीबी दूर हो गई। लालची घी वाला। शंभू नाम का एक घी वाला था। उसके पास दो हट्टी कट्टी गाय थी, जिसके दूध से वह घी बना के बेचा करता था। लोग दूर दूर से उसकी दुकान से घी लेने आते थे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते गए और घी कम होता गया। अरे भाई, जरा 2 किलो घी देना। माफ करना भाई, लेकिन सारा घी खत्म हो चुका है, आप कल आना। नहीं नहीं, मुझे घी आज ही चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। अरे 1 किलो घी तो है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा वनस्पति घी डाल दूँ तो 2 किलो हो जाएगा। लालच में आकर घी वाले ने अपने ग्राहक को घी दे दिया। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट और खुशबूदार घी है, धन्यवाद, ये लो आपके पैसे। अरे वाह, मूर्ख को पता भी नहीं चला और मिलावटी घी भी बिक गया। ये ठीक है, क्यों ना मैं अब रोज ऐसा ही करूं। अब वह हर रोज मिलावट वाला घी बेचने लगा और धीरे धीरे उसने 2 और गाय भी ले ली। एक दिन घी वाले का बेटा बहुत बीमार हो गया। पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घी वाला तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। उसने वहां बहुत से मरीजों को देखा जो पेट के दर्द से बीमार थे। सभी लोग उसके ग्राहक थे। कहीं ये सब मेरे घी से तो बीमार नहीं हुए? बेटा तुम बताओ, तुमने कल क्या खाया? पिताजी कुछ नहीं, बस माँ ने जो देसी घी में हलवा बनाया था वही खाया था, माँ ने कहा था ये शुद्ध घी से बना है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया, पैसों के लालच में इतने लोगों को परेशानी में डाल दिया। डॉक्टर ने जब घी वाले के बेटे को दवा दी तो कहा, देखो इसे घी से दूर रखो, आज तो ये ठीक हो गया,
मगर आगे कभी ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल होगी। समझ गए? समझ गया डॉक्टर साहब। घी वाला अपनी गलती मान चुका था। ये लो बेटा, ये लो शुद्ध घी, इसे खाओ। और हाँ, तुम इससे हलवा बनाओ। पिताजी, मुझे तो घी मना है। नहीं नहीं, नकली घी मना है बेटा, शुद्ध नहीं। आज के बाद मैं कभी मिलावट नहीं करूँगा। असली माँ कौन? जंगल में एक दिन हाथी की माँ अपने बच्चे के साथ नदी में नहा रही थी। तभी वहाँ एक और हथरी आई और बच्चे के साथ खेलने लगी और जाते हुए अपने साथ ले जाने लगी। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ, जहाँ चाहूँ उसे ले जा सकती हूँ। ये मेरा बेटा है, तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। दोनों झगड़ा करने लग गई। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सही कौन कह रहा है और असली माँ कौन है। अब असली माँ कौन है, इसका फैसला तो राजा जी ही करेंगे। सभी राजा शेर के पास पहुँचते हैं और सारी बात शेर को बताते हैं। कुछ देर शेर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मेरे पास एक खास विद्या है जिससे मैं यह पता लगा सकता हूँ कि असली माँ कौन है। लेकिन उसके लिए मुझे इस बच्चे के एक पैर को खाना होगा। राजा की शर्त सुनते ही सभी शांत हो गए, लेकिन नकली माँ ने तुरंत ये शर्त मान ली। मैं तैयार हूँ, आप चाहें तो बच्चे का पैर खा सकते हैं। मगर असली माँ जोर जोर से रोने लगी और सोचने लगी, नहीं नहीं नहीं, अगर शेर ने मेरे बेटे का पैर खा लिया तो वह कभी चल नहीं पाएगा। ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। असली माँ ने राजा से कहा, महाराज, मैं ही नकली माँ हूँ, ये असली माँ है। बस आप इस बच्चे का पैर मत खाइए, आप वादा कीजिए इस पैर को नहीं खाएंगे, मेरे बच्चे को, मतलब इसके बच्चे को नहीं खाएंगे। यह मेरा बेटा नहीं है, आप इसका पैर मत खाइए, जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। राजा शेर तुरंत समझ गया कि यही असली माँ है जिसे अपने बच्चे की चिंता है। राजा ने नकली माँ पर गुर्राया और वह डर के मारे बच्चे को वहीं छोड़कर भाग खड़ी हुई और असली माँ को राजा शेर ने उसका बच्चा सौंप दिया और कहा, तुम ही असली माँ हो, माँ कभी अपने बच्चे का बुरा सोच भी नहीं सकती। मैं तो तभी समझ गया था, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, तुम इस बच्चे की असली माँ हो। प्लीज सब्सक्राइब।